दिल्ली पुलिस की शुरुआती तफ्तीश में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को दी गई धमकी से बेशक अपना कोई लेना देना न होने की बात कही हो, लेकिन अब मुंबई पुलिस की तफ्तीश में ये साफ हो गया है कि सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को धमकाने के पीछे भी उसी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ था जिसने सिद्धू मूसेवाला की जान ली। ये वो तिकड़ी है जिसने रातों रात शोहरत कमाने और जुर्म की दुनिया में अपनी जड़ें मजबूत करने के मकसद से सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के फौरन बाद सलमान खान और उनके पिता को धमकाने की साजिश रची। पुलिस ने मूसेवाला के कत्ल में शामिल एक शूटर सिद्धेश कामले उर्फ सौरभ महाकाल को गिरफ्तार किया तो सलमान खान को धमकी देने के पीछे की चौंकाने वाली कहानी सामने आ गई। पुलिस की माने तो ये साजिश लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर कनाडा में बैठे एक तीसरे गैंगस्टर विक्रमजीत बराड़ ने रची। राजस्थान के हनुमानगढ़ का रहने वाला वो गैंगस्टर जो बेशक पुलिस के बही खातों में फिलहाल फरार हो, लेकिन वो कनाडा से ही लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर भारत में जुर्म की वारदातों को लगातार अंजाम दे रहा है। 29 मई सिंगर सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ। 29 मई लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ने सोशल मीडिया पर कत्ल की जिम्मेदारी ली। 31 मई दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया। और उधर 5 जून सलमान खान और उनके पिता को लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के नाम से जान से मारने की धमकी मिली। इस बार भी जब सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बाद लॉरेंस और गोल्डी का नाम सुर्खियों में आया तो इस गैंग को लगा कि अब जब मामला गर्म है तो सलमान खान को फिर से धमकी देकर और शोहरत कमाई जा सकती है। सलमान को धमकाने का ये राज शायद इतनी आसानी से फाश नहीं होता। अगर सलमान खान के घर के पास धमकी भरी चिट्ठी छोड़ने वाले बदमाशों ने पुणे में ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक दूसरे शूटर सौरभ महाकाल से मुलाकात न की होती, लेकिन विक्रमजीत बराड़ के गुर्गों ने सौरभ महाकाल से मुलाकात की और महाकाल की गिरफ्तार होते ही ये राज खुल गया। पुलिस की माने तो सलमान खान और उनके पिता को धमकाने की ये साजिश लॉरेंस बिश्नोई का दायां हाथ माने जाने वाले गैंगस्टर विक्रमजीत बराड़ ने रची। उसी के इशारे पर राजस्थान के जालोर से 3 लड़के पहले महाराष्ट्र पहुंचे। उन्होंने सौरभ महाकाल से मुलाकात की और फिर चुपके से मुंबई के बैंडस्टैंड में सलमान खान के घर के पास एक बेंच पर धमकी भरी चिट्ठी छोड़कर चले गए। चिट्ठी में लिखा, सलीम खान, सलमान खान, बहुत जल्द आपका भी मूसेवाला होगा। यानी ये गैंगस्टर सलमान खान और सलीम खान को भी मूसेवाला जैसा अंजाम होने की बात कह रहे थे। चिट्ठी छोड़ने वाले गुर्गों की इस तिकड़ी की भी फिलहाल मुंबई पुलिस ने पहचान कर ली है, लेकिन उनके शिकंजे में आना अभी बाकी है। अब इससे पहले कि इस साजिश की गहराइयों में उतरे, आइए उस गैंगस्टर के बारे में जान लेते हैं जिसका नाम सलमान खान को धमकाने के इस मामले में सामने आया है। राजस्थान का रहने वाला ये गैंगस्टर विक्रमजीत बराड़ कभी राजस्थान के ही सबसे बड़े गैंगस्टरों में से एक आनंदपाल का करीबी हुआ करता था, लेकिन 24 जून 2017 को एक एनकाउंटर में आनंदपाल के मारे जाने के बाद इसने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ अपना रिश्ता जोड़ लिया। अलग अलग जुर्म के मामलों में लगातार नाम आने के चलते वो मौका देखकर भारत से निकल गया और इन दिनों कनाडा में रह रहा है। पुलिस की माने तो विक्रमजीत बराड़ और गोल्डी बराड़ दोनों को कनाडा में सेटल करवाने के पीछे भी लॉरेंस बिश्नोई का ही हाथ है। लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ उत्तर भारत में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जुर्म की दुनिया में अपना सिक्का चलाना चाहता है। कुछ इसी इरादे से वो एक एक कर अपने खास लोगों को विदेश में सेट करने में लगा है ताकि हिंदुस्तान के कानून से दूर विदेशों में बैठे उसके गुर्गे आसानी से यहाँ ऑपरेट कर सके। कुछ इसी इरादे से उसने एक और गैंगस्टर काला राणा को थाईलैंड भिजवाया था, लेकिन दिल्ली पुलिस काला राणा को थाईलैंड से डिपोर्ट कर भारत लाने में कामयाब हो गई। और तब प्लान बी के मुताबिक लॉरेंस ने कनाडा में बैठे बराड़ बंधुओं को देश के अलग अलग हिस्सों में वसूली, सुपारी किलिंग, लूट, डकैती जैसे जुर्म की वारदातों को अंजाम देने का काम सौंप दिया। उसने गोल्डी बराड़ को नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत की जिम्मेदारी दी, जबकि विक्रमजीत बराड़ को साउथ इंडिया की।
और अब इसी विक्रमजीत बराड़ ने सलमान खान और उनके पिता के नाम ये धमकी भरी चिट्ठी भिजवाई। पुलिस के माने तो इस चिट्ठी के जरिए लॉरेंस गैंग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपना नाम पहुंचाना चाहता था और इसी इरादे से उन्होंने ये चिट्ठी एक ऐसी सार्वजनिक जगह पर रखवाई जहां सलमान खान के पिता सलीम खान रोजाना जाते हैं। असल में विक्रमजीत के गुर्गों ने चिट्ठी सलमान खान के घर पर भेजने की जगह उनके घर के पास एक बेंच पर रख दी, जिस बेंच पर रोजाना वॉक के बाद सलमान खान के पिता सलीम खान कुछ देर के लिए बैठकर सुस्ताते हैं। रविवार को भी जब वो अपनी रूटीन के मुताबिक बेंच पर बैठने जा रहे थे तभी उनके सिक्योरिटी गार्ड्स की नजर इस चिट्ठी पर पड़ी और ये कहानी सामने आ गई। शिकायत मुंबई पुलिस को मिली और मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मामले की जांच शुरू कर दी। चूंकि चिट्ठी के नीचे पहले ही GB और LB लिखा था तो चारों अक्षरों के फुल फॉर्म के हिसाब से पहला शक गोल्डी बराड़ और लॉरेंस विश्नोई पर ही गया, लेकिन गोल्डी बराड़ कनाडा में है और लॉरेंस विश्नोई दिल्ली पुलिस के कब्जे में इस इल्जाम से इनकार कर रहा था। लेकिन जब पुणे पुलिस ने मूसेवाला मर्डर केस के सिलसिले में सिद्धेश कांबले उर्फ सौरभ महाकाल को पकड़ा तो उसने पूरी कहानी साफ कर दी। फिलहाल मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की एक टीम इस मामले में लॉरेंस विश्नोई से पूछताछ के लिए दिल्ली पहुंच चुकी है। लॉरेंस विश्नोई सलमान खान को अपना दुश्मन मानता रहा है। वो पहले भी जोधपुर जेल में रहते हुए सलमान खान को जान से मारने की धमकी दे चुका है। असल में सलमान खान पर राजस्थान में काले हिरण के शिकार का इल्जाम लगा था जिससे लॉरेंस विश्नोई उन पर कुछ ज्यादा ही खफा था और उनकी हत्या करना चाहता था। उसने पुलिस कस्टडी में न सिर्फ बड़े ही बेखौफ तरीके से सार्वजनिक तौर पर सलमान को मारने की बात कही थी बल्कि इसके लिए एक गैंगस्टर को काम भी सौंप दिया था। लेकिन आगे चलकर जब उसके कुछ गुर्गे पकड़े गए तो लॉरेंस की इस साजिश का खुलासा हो गया। लॉरेंस ने संपत नेहरा को सलमान खान को मारने का काम सौंपा था और संपत ने पिछले साल सलमान के घर की रेकी भी की थी। वो सलमान को गोली मारना चाहता था मगर दिक्कत ये थी कि संपत के पास सिर्फ एक पिस्टल थी और वो ज्यादा दूर से सलमान को निशाना नहीं बना सकता था, लिहाजा वो मुंबई से वापस लौट गया। लॉरेंस इसके बाद भी नहीं रुका, उसने करीब 1.5 लाख रुपए खर्च कर अपने गांव के दिनेश फौजी नाम के एक शख्स से स्प्रिंग वाली राइफल मंगवाई। लेकिन इससे पहले कि राइफल संपत तक पहुंचती दिनेश फौजी गिरफ्तार कर लिया गया। उधर लॉरेंस गैंग के ही एक दूसरे गुर्गे राजवीर सोपू को भी राजस्थान पुलिस ने इसी सिलसिले में गिरफ्तार किया है, जिसने एक चैनल से टेलीफोन पर बातचीत करते हुए 1 महीने के अंदर सलमान खान का कत्ल कर देने की बात कही थी। उसने दावा किया था कि सलमान लॉरेंस गैंग के निशाने पर हैं और 1 महीने में उनकी हत्या कर दी जाएगी। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਅਗਲਾ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਈ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ ਨੇ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਰ ਟਾਰਗੇਟ ਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸਲਮਾਨ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਸਲਮਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਉਹ ਤੋਂ ਸਲਮਾਨ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਬਈ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅੱਛਾ लेकिन अब सलमान को धमकी की ये कहानी तकरीबन साफ हो चुकी है, जिसके तार मूसेवाला मर्डर केस की तरह ही सीधे लॉरेंस विश्नोई और कनाडा में बैठे उसके गैंगस्टर साथियों से जुड़ रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला के कत्ल में तिहाड़ में बैठे लॉरेंस विश्नोई और कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ का नाम आ गया है, लेकिन अब एक नया नाम सामने आया है विक्रम बराड़ का। बताया जा रहा है कि विक्रम दुबई और कनाडा में बैठकर अपना गैंग चला रहा है और सिद्धू मूसेवाला के कत्ल में पूरे लॉजिस्टिक्स उसी ने ही मुहैया कराए थे। जाहिर है शूटर का इंतजाम भी इसी विक्रम बराड़ ने किया था। अब एजेंसियों के लिए एक नई मुश्किल खड़ी हो गई है कि आखिर इस विक्रम बराड़ तक कैसे पहुंचा जाए, क्योंकि अभी तक ना तो इसके लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है ना ही पुलिस ने CBI से कोई सिफारिश की है। ये एक बड़ा चैलेंज होगा कि विक्रम बराड़ को विदेश से हिंदुस्तान लाया जाए और उससे पूछताछ कर पूरी साजिश का खुलासा हो सके। मुंबई से मुस्तफा शेख और दिल्ली से तंसीम हैदर के साथ अरविंद ओझा आज तक।